गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? अच्छे ही होंगे। तो देखो भी, आज हम नौवीं क्लास के सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले भी हमारे क्या संशोधन हुआ है, कौन से चैप्टर हमें करने हैं, कितना पढ़ना है। अब पढ़ना स्टार्ट कर दो भी, आपके एग्जाम तो होंगे ही होंगे। ये नोटिफिकेशन भी आ गया भी, आपके एग्जाम होंगे ही होंगे, इस बार प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखो भी सिलेबस देखो, सबसे पहले जो है हमारा चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। इसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। इसमें आपको 1.2 करनी है और 1.3 करनी है। जो करने हैं मैं वो बता देता हूं। रिमूव्ड पार्ट कौन सा हो गया फिर हमारा, रिमूव कौन से हो गए, 1.1 और 1.4, ये हमें नहीं करने, ठीक है जी। सेकंड चैप्टर है हमारा बहुपद। कौन सा चैप्टर है? बहुपद। तो बहुपद में हमें 2.3 चैप्टर नहीं करना। मैं रिमूव्ड पार्ट लिख देता हूं आपके, ठीक है। बाकी पॉइंट आपने करने हैं 2.1, 2.2 जो भी है, ठीक है। 2.1, 2.2, ये 2.5 तक है आपके शायद तक, ठीक है जी। तो बाकी सभी करने हैं, 2.3 नहीं करना है इसमें आपको। थर्ड चैप्टर है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। थर्ड चैप्टर ये नहीं है अभी। थर्ड चैप्टर है आपका इसमें निर्देशांक ज्यामिति का। जो मैंने आपको करवा दिए, और ये पूरे का पूरा करना है। ये भी चैप्टर आपको मैंने करवा दिया था, उसमें आप 2.3 को रिमूव कर देना, वो नहीं करनी है। और निर्देशांक ज्यामिति पूरे की पूरी करनी है, और ये आपको करवा दी गई है। फोर्थ चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें भी आपको 4.3 चैप्टर नहीं करना, 4.3 चैप्टर नहीं करना। बाकी 4.1, 4.2, 4.4, बाकी सारे का सारा ही इसमें करना है, ठीक है। फिर पांचवें चैप्टर की बात करें तो उसके बाद आपके जो है पांचवा चैप्टर आपके रिमूव हो चुका है, यूक्लिड वाला है इसमें। तो पांचवा चैप्टर आपको नहीं करना, ये पूरे का पूरे रिमूव हो चुका है। चैप्टर नौवां भी आपके पूरे का पूरे रिमूव हो चुका है, ठीक है जी। और पंद्रवा चैप्टर भी पूरे का पूरा रिमूव हो चुका है। ये तीन चैप्टर तो पूरे के पूरे ही रिमूव है, इसमें आपने इन तीन चैप्टर में कुछ भी नहीं करना। फिर जो ज्योमेट्री का पोर्शन है, ज्योमेट्री का पोर्शन है वो मैं अपने आप आपको जब करवाऊंगा स्टार्ट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें जो प्रमेय वगैरह वो क्वेश्चन मैं अपने आप बता दूंगा, इसमें कौन सा पोर्शन करना है वो ही आपको करवाया जाएगा, ठीक है। उन्हीं की आपके पास वीडियो आएगी जो जो आपके सिलेबस में है ज्योमेट्री में। फिर उसके बाद बात आती है क्षेत्रफल वाला चैप्टर है जो हमारा चैप्टर 12वां, क्षेत्रफल। ये चैप्टर आपको करवा दिया गया है, तो इसमें आपको 12.1 और 12.2 दो चैप्टर थे। 12.1 में क्या करते थे, हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, वो तो आपने करना है। लेकिन 12.2 जो हमने किया था चतुर्भुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से, वो आपने नहीं करना, ये आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। फिर बात आती है उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की, 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें आपको बता देते हैं भी क्या क्या करना है। इसमें आपने करना है घनाभ और घन ही करना है, सिर्फ इन्हीं का क्षेत्रफल और इन्हीं का ही आयतन। क्षेत्रफल और इन्हीं का ही आपने क्या करना है, आयतन, घनाभ और घन का। बाकी इसमें शंकु बेलन गोला जो भी है उनसे रिलेटेड चैप्टर आप नहीं करोगे। फिर 14वें चैप्टर की बात करते हैं, इसमें सांख्यिकी की, चैप्टर 14।
सांख्यिकी में आपने 14.1 नहीं करनी, 14.1 नहीं करनी है सांख्यिकी में, 14.2 आपने करनी है, 14.3 में कुछ पार्ट रिमूव हुआ है, 14.3 में कुछ पार्ट रिमूव हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा, उतना ही करवाया जाएगा, कुछ पार्ट रिमूव हुआ है ठीक है वो मैं आपको बता दूंगा। 15वां चैप्टर हमारा पूरे का पूरा हट ही चुका है ठीक है जी। ये आपका सिलेबस था, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब तो कहा जा चुका है भी इस बार सीधे प्रमोट नहीं किए जाएंगे, इस वहम में न रहना भी आप सीधे प्रमोट हो जाओगे। अच्छी तैयारी करो, अच्छा टाइम है, आपको सिलेबस करवाया जाएगा, सिलेबस की टेंशन नहीं रखनी है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं। आपके जो डाउट है आप मैसेज करके वो डाउट अपने क्लियर करोगे ठीक है जी। बाकी इसके जो चैप्टर हैं जो हम स्टार्ट करेंगे वो कल ही स्टार्ट करेंगे ठीक है जी।